हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई-लर्निंग में आपका स्वागत है। टाइप्स ऑफ द प्लान प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत पार्ट वन हमने आपको बताया, पार्ट टू हम आपको बताने जा रहे हैं। पर फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान पर स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज ऑन द प्लान, स्टैंडिंग प्लान इन द पार्ट वन। पार्ट वन में आपको बताया गया मिशन, ऑब्जेक्ट, पॉलिसी। अब आपको जैसे स्टैंडिंग प्लान, आप किसी भी बिजनेस में जो प्लान्स बनाते हैं वो कई बार आप बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, मीडियम टर्म के लिए हो सकती है। ये प्लान को आप रिव्यू कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, गाइडलाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको अपने मिशन क्लियर करने पड़ेंगे, आपको अपने बिजनेस का ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस की पॉलिसी को डिसाइड करनी पड़ेगी। उस पॉलिसी के अंतर्गत आज उस वीडियो बड़ा होने के कारण मैंने तीन स्टेप फर्स्ट में बताए थे। सेकेंड स्टेप में हम आपको स्टैंडर्ड प्लान पार्ट टू में प्रोसीजर, रूल एंड मेथड एंड स्ट्रेटेजी तीन को डिटेल करेंगे, जिससे स्टैंडर्ड प्लान इंड होगी। इसमें टाइप्स ऑफ प्लान के सेकेंड पार्ट, सिंगल यूज प्लान का हम अलग से आपको वीडियो देंगे। नेक्स्ट आपको कहना है टाइप्स ऑफ द प्लान्स, सेकेंड साफ देखिए प्रोसीजर। प्रोसीजर इज द स्टैंडिंग प्लान डिस्क्राइब कस्टमर मेथड हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटी। प्रोसीजर रिफर स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट प्रेस्क्राइब सीक्वेंस मैनर। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए फ्यूचर की एक्टिविटी और स्पेसिफिक प्रशासक कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट एक सीक्वेंस मैनर एक क्रम में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा सेल क्या होगा, हम सेल में किस कस्टमर तक जाएंगे, उनकी प्राइसिंग मेथड क्या होगी। आपको यह बताना पड़ेगा कि जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट्स को आप बनाते हैं, जैसे कोलगेट है, कोलगेट अगर आपने मार्केट में बनाता है तो कोलगेट को की पैकिंग करते समय मार्केट में कंज्यूमर को ध्यान देते हुए वह प्रोसीजर बनाता है कि वह 2 रुपए का भी पैकेट बनाता है, 5 रुपए का भी पैकेट बनाता है, 10 रुपए का भी बनाता है, 20 रुपए का भी बनाता है। वो उस हिसाब से उनके ग्राम को वो डिवाइड करता है। जैसे आप सर्फ एक्सल भी आ जाइए तो वो प्रोसीजर्स के अंतर्गत कस्टमर की कैपेबिलिटी को देखते हुए उसको 5 रुपए 10 रुपए तक के भी पैकेट्स आप सर्फ एक्सल देती है। रिपीट एक्टिविटी इन इनिटिएट कैरिंग फॉरवर्ड गोल ओरिएंटेड मैटर। हमेशा कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट, टारगेट ऑफ द गोल हमेशा सेट होनी चाहिए। प्रोसीजर मीन स्टैंडिंग रूटीन पैटर्न पीस वर्क फ्लो ऑपरेशन लेवल। एडवांटेज, इसके क्या फायदे हैं? इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एक्शन। आप अपने कार्य करने के लिए एकदम स्पष्ट होगी। डिक्रीज द फर्दर डिसीजन मेकिंग लेइंग डाउन स्टैंडर्ड पाथ फॉलो। इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, हमेशा एक दूसरे पैरेलल डिपार्टमेंट में संबंध बना रहेगा। इट प्रोवाइड गुड स्टैंडर्ड मैनेजर एप्रिसिएट ऑफ द एम्प्लाई। गुड मैनेजर एक वर्क प्रोसीजर करेगा, वो एम्प्लाइयों के बीच बेस्ट ऑफ द रिलेशन बनाएगी। नेक्स्ट है सेटिंग ऑफ द प्रोसीजर। सेटिंग ऑफ द प्रोसीजर्स पर सेटिंग में क्या क्या सेट करना है, आपको अपने बिजनेस का सेट ऑफ गोल सेट करनी है। नेक्स्ट गैदर्स प्लान डाटा, एनालिसिस डाटा, क्रिएट ऑफ द प्लान, इंप्लीमेंट ऑफ द प्लान, मॉनिटरिंग। जब भी कोई भी प्लान आप सेट करेंगे तो सेट के ये मेथड्स आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्रिएट ऑफ द प्लान, आप अपने प्लान को क्रिएट करेंगे, इंप्लीमेंट उसे कैसे चालू किया जाए, मॉनिटरी क्या कार्य हो रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट है, कास्ट का क्या वर्क है, सेल का क्या वर्क है, मार्केटिंग क्या करता है, अकाउंट सेक्शन क्या करती है, इन सभी डिपार्टमेंट वाइज उनकी आप मॉनिटरिंग करेंगे। सेट अप गोल,
निश्चित टाइमिंग के अंतर्गत वह अपने कार्य को पूरा करते हैं कि नहीं। गैदर्स प्लान एनालिसिस डाटा, उनकी एनालिसिस करेंगे और समय से कहेंगे कि सभी व्यक्ति उस कार्य को पूरा करें। The basic principle of procedure is that should be kept minimum possible, कम से कम समय में पूरा करना है। प्रोसीजर शुड बी बेस्ट एडुकेट फैक्ट पार्टिकुलर सिचुएशन, एक सिचुएशन एक स्थिति बनाई जाए जिसमें हम पूरा करें। प्रोसीजर टू बी एफेक्टेड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम इंटर रिलेट एक्टिविटी नेटवर्क, इंटर रिलेट इंप्लाइयों में एक उनकी रिलेशनशिप रिलेटिविटी को देखनी पड़ेगी कि वो किस आधार पे वर्क करते हैं। While the designing procedure proper balance schedule kept between stability and fix, balance बनाना है, procedure should be revised the internal necessary charge, उनके necessary charge क्या पड़ेंगे, ये total work आपको रहेगा। Rule of methods, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए आज भारत में आप रहते हैं, किसी भी country में आप रहते हैं, तो उसकी रूल रेगुलेटरी भारत का संविधान आपको बताता है एक व्यक्ति की क्या एक्टिविटी है। यदि आप कोई अदर वर्क इस संविधान के विपरीत आप कार्य करते हैं तो आपको पेनल्टी दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट लगाई गई है, बॉर्डर पे कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ लगाई गई है, एनिमी की स्थितियों को देखने के लिए मिलिट्री लगाई गई है। हमारी आपकी इंटरनल एक्टिविटी में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिचुएशन में कहीं विरोधाभास है तो एलआईयू ऐसी इंजीनियर्स टीम लगी हुई है कि एक दूसरे से कोई गलत काम करे तो उसकी सूचना भी वो इंटरनल रूप से अपने पास रखते हैं। क्राइम करते हैं तो जजमेंट न्यायिक प्रक्रिया बनाई गई है। दिस इज रूल ऑफ द मेथड्स। आप एक भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, उस संविधान उसी प्रकार से एक व्यवसाय को चलाने के लिए उनके अपने एक नियम होंगे, उस रूलिंग के अनुसार व्यवसाय कार्य करेगी। वो रूलिंग कंपनियों के लिए, कंपनी चलाने के लिए कंपनी एक्ट 1956 अब नहीं है, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आप काम करेंगे। इसके लिए अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी एम्प्लॉय के लिए आप अपने बिजनेस में इंडस्ट्रियल एक्ट के अंतर्गत काम करेंगे, आप वीकॉम ई लर्निंग में प्लेलिस्ट में इंडस्ट्रियल एक्ट की वीडियो दिए गए हैं, वहां आप जाके देख सकते हैं कि एक इंडस्ट्री को पूरे चैप्टर वाइज हमने दिया है। जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का दे रहे हैं वैसे वहां देख सकते हैं कि क्या क्या रूलिंग है, किस रूलिंग पर आप कौन कौन सा कार्य करते हैं। तो यह आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना होगा। तो ये रूल ऑफ मेथड्स आपको देती है, आप देख सकते हैं रूल ऑफ दी मेथड्स। सबसे फर्स्ट आपको इंप्लीमेंटेशन रिपोर्टिंग रिजल्ट विजन स्ट्रेटजी प्लानिंग कम्युनिकेशन। रूल आप बनाते समय सबसे फर्स्ट आपका क्या होगा, प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग को इंप्लीट करने के लिए कम्युनिकेशन देंगे, इंप्लीमेंटेशन होगी, रिपोर्ट करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। हम अपने विजन को, विजन मींस गोल मिशन टारगेट को हम अपने प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा अपने टारगेट को डेवलप पे वर्क करेंगे। रूल एंड स्टैंडिंग मेथड्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एक दूसरे से होनी चाहिए, एसोसिएशन विद पॉलिसी प्रोसीजर दे में रिपीट दी रिफरेंस, रेडी गाइड स्ट्रिक्ट, हमेशा गाइडलाइन स्ट्रिक्ट और एक रूल समान रूप से सभी के ऊपर वह लागू होगी वर्क सिचुएशन पे। टीम रूल डिफाइन दी पॉजिटिव प्रेस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव पीपुल कंडक्ट एक्शन रूल, एक्शन रूल वो कार्यान्वित होनी चाहिए। अमंग द कम्युनिकेशन सीकिंग कमजोरी नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर रेस्ट्रेंट बिहेवियर एक दूसरे के व्यवहार में हो, परफॉर्मेंस इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो आपको दिखनी चाहिए। परफॉर्मेंस इन फॉर्मल एग्जाम्पल
यदि आप अपने बिजनेस में रहते हैं तो रिटायरमेंट की आपके बिजनेस में कौन सी पॉलिसी है। कुछ फैक्ट्रियों में आप देख सकते हैं कि 58 में रिटायर होता है, कहीं 60। टीचिंग में आप जाते हैं तो आपको 62 में रिटायर होना है, तो ये स्पष्ट लिखा रहता है। स्मोकिंग प्रोविजन आप लिखा रहता है कंपनियों के अंदर, नशा की स्मोकिंग प्रोविजन आप नशा नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए बोर्ड बनी रहती है और स्मोकिंग लिख के कट किया रहता है। इसका मतलब इस कैंपस में ये करने के लिए मना है। ऑफिसर अगर एक्स्ट्रा एम्प्लॉई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसे ओवर टाइम का ओवर वेजेस आपको मिलेगा, लेकिन यदि ऑफिसर आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क काम करता है उसके ओवर टाइम और अलाउंस नहीं मिलेंगे। परचेज एंड डी में जो भी सामान आप खरीदते हैं तो कॉलिंग ऑफ दी टेंडर मेथड से होनी चाहिए। मेथड टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स को सफल बनाने के लिए आप अपने बिजनेस में मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। मेथड में फर्स्ट आपके लिए आएगा टास्क, आप रिपीट ऑफ दी प्लान्स में आपका लिए टास्क होगा। इफिशियंट कंसिस्ट परफॉर्मेंस टास्क लाइक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सिचुएशन ऑन दी अदर हैंड नेचर ऑन दी कशन। आपको बिजनेस को गोल प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन सिचुएशन में छोटे छोटे टास्क लेने, इकट्ठा नहीं कि मैं 1,00,000 प्रोडक्ट करूंगा। हम अपने बिजनेस को छोटे छोटे टास्क लेने के लिए, जैसे आपने फाइनेंशियल ईयर का वर्क किया 12 पर, तो मेंस हम अपने बिजनेस का टास्क क्वार्टरली ले सकते हैं। 4 क्वार्टर के लिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कभी कभी व्यवसाय में यह टास्क हम मंथली ले सकते हैं। आपने कभी अक्सर मेडिकल सेक्टर में देखा होगा लास्ट मंथ लास्ट डे क्लोजिंग, बट स्टार्टिंग मंथ फर्स्ट डे न्यू मीटिंग न्यू गोल टेस्ट टास्क आपको मिल जाएगी और नए रूल रेगुलेशन पर आपको वर्क करनी पड़ेगी। ये टोटल वर्क से यहां पर डिपेंड्स करता है। नेक्स्ट आप आ सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ दी मेथड रिलेटिंग टू कंडीशन विद इन टास्क परफॉर्मिंग अदरवाइज एब्सेंस एप्लीकेशन मेथड। स्टैंडर्ड उसका एक नियमित रूल होना चाहिए, उस टास्क को हम करेंगे। रिसर्च एनालिसिस हमेशा रिसर्च किस पर होनी चाहिए, हम आपको प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं। आपका हमेशा रिसर्च क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस होना चाहिए। हमेशा आपका रिसर्च सेल पे होनी चाहिए, कंज्यूमर हैबिट पे होनी चाहिए, कंज्यूमर इनकम पे होनी चाहिए, मार्केट की डिमांड पे होनी चाहिए। इन पर हमेशा आप रिसर्च करेंगे, उस अनुसार आप अपने प्रोडक्ट की पैकिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसको हम पूरा करने का रिसर्च हमारा हमेशा बिजनेस के सेल पे होनी चाहिए, कंज्यूमर पे होनी चाहिए। अगर इस पर आपका कोई रिसर्च नहीं है तो आप प्रोडक्शन करिए स्टॉक करिए बंद हो जाएगी कंपनी, अगर आपका मार्केट पर रिसर्च नहीं है, क्योंकि कब कहां कब कैसे कौन सा प्रोडक्ट किस व्यक्ति के द्वारा हमें बेचना है उस आधार पर करना है। तो आज उस आधार पर आपको क्या करना है, मार्केट रिसर्च करनी है। जो प्लानिंग की स्टैंडर्ड मैनेजमेंट ऑन द बेसिस कॉमन सेंस एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट उसके लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए रखती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जनरल वायलेंस, इंडिविजुअल एम्प्लॉय डज नॉट एट्रैक्ट द पेनल्टी वेयर वायलेंस पैशन रूट ऑफ रूल व्यू सीरियस ऑफ बाई मैनेजमेंट। छोटे छोटे चीजों पर बराबर पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए लोगों ने एक दूसरे को, लेकिन इसकी भी जो भी रूलिंग्स है वो मैनेजमेंट के द्वारा क्लियर की जानी चाहिए। फिजिकल अदर टास्क, आपने एक चीज देखा होगा
किसी फैक्ट्री में आप जाते हैं, किसी बड़ी संस्थाओं में जाते हैं, तो कंपनी का वहां नेक्स्ट आप देखें फिजिकल और अदर टास्क डिफाइन। जब आप किसी भी फैक्ट्री में एंट्री करें, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्चों के लिए आपको वहां प्रॉस्पेक्टस मिलता है। संस्था के वर्कर के लिए क्या मिलती है? स्टूडेंट रहता है, नोटिस बोर्ड मिलती है। नोटिस बोर्ड जैसे इस कॉलेज में है तो बच्चों के लिए लगी, एम्प्लाई के लिए भी, क्लास टीचर पढ़ाने के लिए उनका टाइम टेबल सेट है, कौन टीचर किस क्लास में किस टाइम पे जाएगा, सेकेंड पीरियड किसका होगा, थर्ड पीरियड किसका होगा, ये टीचर भी उस बोर्ड के ऊपर पढ़ता है और टाइमली वर्क करता है। तो आप टू डू क्या करें, डूइंग एंड डन उसको पूरा करें। यूजर स्टोरी, मैनुअल टेस्टिंग, डिफाइन टेस्ट केसेस, क्रिएट न्यू स्क्रीन, इंप्लीमेंट ऑफ द बिजनेस एंड सॉल्यूशन। तो ये टोटल टास्क वर्क आपको बनेगी। रूल टू इंडिविजुअल ग्रुप एंड डिफाइन हाउ दे हैव टू इन पार्टिकुलर ऑफ द सिचुएशन। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। स्टैंडर्ड प्लान का लास्ट है स्ट्रेटेजी। पॉलिसी जो आप बनाएंगे उसको कैसी इंप्लीमेंट, वैसे तो स्ट्रेटेजी वर्ड ही वार के समय मिलिट्री ही सबसे तगड़ी स्ट्रेटेजी बनाती है। उस मिलिट्री की स्ट्रेटेजी में यह तय होता है जीतना है तो जीतना है, इस प्रोसेस पे काम करना है। मैं आपसे अनुरोध यह करूंगा आप भी अपनी पढ़ाई, अपनी कंपटीशन, अपने वर्क में ये स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी। हमें टॉप क्लास में जाना है, क्लास वन बनना है तो बनना है। इस प्रकार से बिजनेस भी अपनी स्ट्रेटेजी, मिलिट्री वॉर के संबंध में ऐसी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाती है और उस टारगेट को पूरा करते हुए अपने बिजनेस को पीक करने का प्रयास किया जाता है। इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी वॉर ऑफ द एनवी सिस्टम, स्ट्रेटेजी स्पेशल क्लाइंट ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर्मुलेशन ऑर्डर, मीट टू चैलेंज। ध्यान दीजिए, मीट टू चैलेंज ऑफ द वर्क, पॉलिसी, कंपटीटर, ए सिस्टम अप्रोच है ब्यूटीफुल अपॉइंटेड आउट दैट स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स प्लान ब्रिंगिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम गिव पोस्चर योर डिजायर पोजिशन इन द फ्यूचर पीरियड। हमेशा भविष्य को निश्चित रख के किया जाता है। कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रेटेजी, कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं, इट इज राइट कॉम्बिनेशन डिफरेंस फैक्टर। विभिन्न फैक्टर्स अगर आपके हैं तो सही फैक्टर का चुनाव करके हम उस पर कार्य करें। पार्टिकुलर चैलेंज, स्ट्रेटेजी चैलेंज है उसे हम सॉल्व करेंगे। स्ट्रेटेजी इन द फॉरवर्ड लुकिंग, हमेशा आगे बढ़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए, पीछे का हम स्ट्रेटेजी आगे चलनी चाहिए। इट मींस एंड नॉट एंड ऑफ द, ये कभी समाप्त नहीं होगी, हमेशा एक प्लान के समाप्त पर दूसरी प्लान। इट इज जनरली लॉन्ग रेंज नेचर, हमेशा ये लॉन्ग रेंज नेचर होना चाहिए। इट इज एक्शन ओरिएंटेड मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये विशेष उद्देश्य के लिए बना। एडवांटेज मैनेजरियल एफर्ट टाइम कैन बी मिनिमाइज्ड, फैसिलिटेट डू डेलीगेट्स अथॉरिटी, इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी फोर्स, इनके लिए आप फोर्स कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर मेथड इन्वॉल्व कन्वर्टेबल यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट वन बेस्ट वे, कौन परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा उस पर हमें कार्य करना है। इन द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्टैंडिंग प्लान इनेबल परफॉर्मेंस वर्क पर्सन लेस एक्सपीरियंस एबिलिटी, अनुभव के आधार पे किया जाए। इट इज द इजी टू ट्रेन, या ट्रेन की तरह से चला मान प्रक्रिया। आज आपने स्टैंडिंग प्लान के पार्ट टू पे
स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के विषय पर जानकर। थैंक यू।